सर तो आंसर में टू इंक्लूडेड आएगा ना? आंसर में टू इंक्लूडेड, हाँ मतलब तुम्हारा जो ऑन टू के क्वेश्चन है आंसर उसका में आंसर टू ही है। इंक्लूडेड होगा। आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। करो बच्चों कॉपी करो उसको। बच्चों कॉपी करने के लिए वैसे तुम्हारे पास टाइम रहेगा, आज मैसेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, कंटिन्यू चल सकते हैं क्या? फिर जो टाइम बचेगा उसमें नोट्स बना लेना। चलेगा ना, उससे थोड़ा कोर्स बढ़ जाएगा आगे, वरना फिर कॉपी करने के लिए टाइम। चलो क्या आगे सर, एक डाउट, अभी ये कॉपी करना चालू किया तो सर रुक जाना। अच्छा तन्मय कुछ पूछना है, तन्मय बोलना। ये सब टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग एन को जीरो से कंपेयर क्यों करते हैं, मतलब व्हाई नॉट विद अदर नंबर्स? नहीं बेटा कोई भी वैल्यू ले ले तू, एम का बेसिकली पता है क्या है? ये देख यहाँ देख, ये एम क्या है, एक्स का कोफिशिएंट और स्लोप है। तो स्लोप जो है ना, स्लोप के बारे में तीन ही चीजें डिसाइड हो सकती है ना, या तो स्लोप जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए। अच्छा ठीक है, अदरवाइज कोई लॉ नहीं है ये तो। क्या तुम धीरे धीरे क्वेश्चन जब करते जाओगे ना तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव लेना है। यस सर, जीरो लेने से इंटरसेप्ट का भी आइडिया मिल जाता है। हाँ मतलब एक छोटा आइडिया तो किसी तरह से तो डेवलप करना ही पड़ता है ना हम लोग को मैथमेटिक्स से। अपन लोग क्या मैथ्स में यही करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं ठीक से, फिर बाद में देखते हैं कैसे आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन लाइक दैट। सर ये जो तीसरा जो ग्राफ था m लेस देन 0 का, से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहा है बेटा वापस बोल। सर ये जो m लेस देन 0 का जो ग्राफ आपने बनाया था ना ऊपर में, ये वाला ना? हाँ सर ये वाला ग्राफ। से इसको समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं? m लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बता? 2mx माइनस 2x माइनस 1 ऐसा कुछ बनेगा। तो ये हो सकता है ऐसे करके बने या यहाँ से बने या यहाँ से बने, कैसे भी बने, लेकिन ये फंक्शन मेनी वन ही रहेगा और साथ में इनटू ही रहेगा। ऑन टू होने के लिए तो पूरी रेंज कवर होनी चाहिए ना। हाँ सर, हाँ सर, पूरी वाई एक्सिस तो कवर होगी ही नहीं ना। हाँ सर। तर तो ये नीचे जाए मैं समझ गया, ये ऊपर जाए ये पार्ट कौन कैसा इसको समझाने? ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना, एम नेगेटिव है ना बेटा, तो स्लोप तो ऐसे ही जाएगा ना। हाँ सर वो ठीक है, वैसे एक एक पार्ट है ना ग्राफ का जो ऊपर जा रहा है, एक साइड नीचे जा रहा है, लेकिन ये तो x equal to 1 पे ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ सही है पार्ट कैसे, बस ये तो 1 पे ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद बन ही नहीं सकता ये वाला पार्ट, 1 के बाद तो यही वाला पार्ट बनना है। ठीक है सर। सर ये m belongs to 0 to 2 included on 2 or not included many one on 2 कैसे हुआ समझा? मैं नहीं समझा क्या पूछ रहा है सर। ये ऑप्शन ए सर जो अपने राइट साइड पे लिखा है सर, हाँ सर वो ऑन टू और मेनी मेनी वन ऑन टू वो नहीं समझा। अरे बाबा ये क्या है, इस कंडीशन में ये वन वन ऑन टू आएगा, मतलब ये जो पार्ट होएगा ना ये एम बिलोंग्स टू जीरो कोमा टू में, ये वन वन ऑन टू हो जाए, वन वन ऑन टू भी नहीं होएगा ये। सर वो कैसे हुआ ऑन टू वो नहीं समझा। तो यार बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, पहले वाला केस को ध्यान से पढ़ना, इस केस को देख। वन वन ऑन टू कब होएगा? जब एम इज इक्वल टू टू होएगा। ओके हाँ सर, हाँ सर देखो, सिर्फ m is equal to 2 के लिए ही 1 1 on 2 होएगा। हाँ सर देखो राइट, इस पार्ट के लिए ये वाला पार्ट कैसा आ रहा है पता है? देख एबीसी सब डिस्कस किया है हम लोगों ने, ये वाला पार्ट कैसा आ रहा है पता है? ये किया है ना यार बेटा, यहाँ पे ये कैसा आएगा m, इसको सॉल्व कर चल, इसको इधर m less than 2 आएगा ना, m less than 2, हाँ सर m less than 2 but greater than 0, but greater than 0, yes sir. राइट, एम इक्वल टू जीरो वाला केस तो ये रहा। यस सर समझो, सर हम लोग आगे चलते हो गया कॉपी कर। हाँ सर कॉपी कर लिया। यस यस सर। चलो ठीक है।
अच्छा फिर ये वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स के जो प्रॉब्लम्स है ना उसको भी समझ लो, तुम लोग बोल रहे किया नहीं है पहले, तो कर लेते हैं अभी एक बार। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। हाँ बच्चों ध्यान दो, जो क्वेश्चन है मतलब तुम लोग को इधर में A1, A2, A3, A4, ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। P1, B2, P3, B4, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। सेट ए टू सेट बी में फंक्शन डिफाइन कर रहा है। अब जो तुम लोग को एक काम दिया गया कि भाई एक काम करो कि इस सेट से इस सेट में एरो लगाओ। यानी बच्चों ऐसा नहीं हुआ कि 4 बुक्स जो हैं जिनका नाम A1, A2, A3 है, इनको 4 बॉयज को देना है हम लोग को, राइट। किसी बॉय को कितनी भी बुक्स मिल सकती है, बस ये बच्चों ये खाली नहीं रहेगा, हर एक बुक देना जरूरी है, बराबर है ना बच्चों। यस सर। जो चीज देना जरूरी रहता है, जो मतलब ब्लैंक नहीं रहती, जो मतलब यूज करनी ही होती है, राइट। वो बच्चों वो एक चीज बताओ, तुम लोगों ने इसका आंसर किया हुआ है पहले? हाँ सर। 4 रेस्ट टू पावर 4 बराबर है क्या? यस सर। नंबर्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ, नंबर ऑफ फंक्शंस में इसका जो पार्ट पहला क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ फंक्शंस। फोर रेस टू पावर फोर, इसमें कोई तकलीफ है क्या किसी को? नहीं सर। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब बताओ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे बच्चों? फोर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो किया है ना यार, तुम लोग तो बोल रहे थे नहीं किया हुआ है सर। मतलब ऐसे फंक्शन हम लोग का पूरा पीएनसी हो चुका है ना, तो अच्छा इसलिए हम चलो लोग को ट्रेनिंग पता किया रहे है। अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं एक बार और कर लेते हैं। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बच्चों, ये 4 को 4 जगह में अरेंज करना है कुल मिलाकर के। एक को 2 एरो नहीं लगने चाहिए, किसी एक को भी 2 एरो नहीं लगने चाहिए, बराबर ना। यस सर। यानी चार चीजों को 4 जगह अरेंज करना है, बराबर ना। फैक्टोरियल फोर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बच्चों, जो फंक्शन वन वन नहीं होते वो क्या होते हैं? मेनी वन होते हैं। यस सर। तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने हो गए बताओ? 4 to the power 4 minus 4 factorial। ऐसे कैसे बोल रहे हो? 4 raised to power 4 minus factorial 4 होएगा ना? हाँ यस सर। 256 minus 4 factorial। अच्छा ये फैक्टोरियल का ये सिंबल भी होता है पता है ना? हाँ हाँ सर पता है। हाँ यस। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पता है, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पता है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होगा? 4 factorial 4 factorial। सर कैसे? ये भी फैक्टोरियल 4 ही होगा ना यहाँ पे, से यस और नो? यस सर। यस सर। चारों में से सर सारे चार चार राइट एक एक वाले किताब अरेंज दे दो, करने हैं। 4C4 × factorial 4 बराबर ना? यस यस सर। अगर ये 5 होते तो 5C4 नहीं, तब नहीं, तब गड़बड़ होती। तब गड़बड़ क्या तब होती हो ही देखते नहीं हैं अभी। सकता सर। सर तब वो ऐसे वो फॉर्मूला यूज करते हैं फंक्शन ही नहीं तो। सर ऑन टू फंक्शन ही नहीं बनता ना। हाँ तब ऑन टू फंक्शन ही नहीं बनता एक्चुअली। हाँ सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, सर। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो क्या होते हैं? इनटू होते हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो गए बच्चों? 4 to the power 4 minus 4 factorial। सब लोग को समझ में आया क्या? यस हाँ सर। बच्चों इसका अल्टरनेटिव मेथड कौन सा वाला? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला करके ये आंसर वेरीफाई जरूर करना, पता है ना? यस यस सर। इसको वेरीफाई कर लेना बच्चों एक बार, ठीक है ना। हम इसको अभी वेरीफाई नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन बन हो गया। अब बच्चों इसी इसी बोर्ड पे जाएंगे,
क्वेश्चन टू, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया रहेगा बच्चों, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, और ये हो गया बी वन बी टू बी थ्री और बी फोर, और ए से बी में फंक्शन डिफाइन करना है बच्चों। नंबर ऑफ फंक्शंस, पहला आंसर 4 raised to 5। किसी को डाउट तो नहीं है? नंबर ऑफ फंक्शन 4 raised to 5 बच्चों। वन वन फंक्शन जीरो फाइव सी फोर फोर फाइव सी फोर इनटू फोर फाइव वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं। फोर फाइव सी फोर इनटू फोर फिर नहीं हो सकता ना, वन वन बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, जीरो होगा, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कैसे है बता, पांच एलिमेंट है, चार को एरो जाना है, हर एक एलिमेंट से एरो स्टार्ट होना चाहिए, तो कोई तो एक होगा जिसमें दो बुक्स मिलेंगे, जिसमें दो एरो लगेंगे। हां सर, वन वन नहीं बने, बराबर ना? हां सर। बच्चों तीसरा क्वेश्चन, मैनी वन कितने होंगे? 4 to the power 5। अच्छा समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हां सर आ रहा है। अब बच्चों अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें तुम ऐसा ही तो कर रहे हो कि फाइव बुक्स हैं, उनको चार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, राइट? और हर एक को कम से कम एक मिलनी चाहिए, तो वन 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 टू, बस यही तो बनता है एक पेयर। यस सर। बोलो बच्चों। यस यस सर। हाँ सर। फाइव को फोर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मल्टीनोमियल में किया है ना बच्चों, क्या करते थे इसमें बताओ? हाँ किया सर। फैक्टोरियल फाइव डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल इनटू वन बाय फैक्टोरियल थ्री, याद आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल टू भी तो है यहीं पे लिखना चाहिए था उसको, राइट? और बच्चों मल्टीप्लाइड बाय फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल। यस सर। अरे ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। यस सर। बोलो बच्चों बराबर है? अच्छा इसको एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना क्या आंसर आ रहा है इसका। 240। अच्छा ठीक है बच्चों, अब बताओ ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गया तो फिफ्थ वाला आंसर तो अपने आप ही आ गया। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस इनटू फंक्शन 4 raised to power 5 माइनस 240 माइनस 240 784 आता है। क्या आ रहा है बताओ जरा? 784 खत्म कहानी, क्वेश्चन की कहानी खत्म। मुझे तुम्हें पता है ना एक क्वेश्चन और बच गया अभी, नंबर बाइजेक्टिव। यस सर। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव नहीं 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 वो नहीं, एक भी नहीं। देखो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं वरना सब गड़बड़ हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ऐसा उल्टा वाला क्वेश्चन, ये तरफ का मैं वो तरफ जाता हूं, ए1 ए2 ए3 ए4, इससे अलावा तो कुछ क्वेश्चन बनेगा ही ना इस कंसर्न में। हां सर। और बच्चों B1 से लेके B5 बराबर है, पांच लोग हैं इसमें। हाँ सर। A2 B, ठीक है बच्चों। अब एक काम करो, जल्दी से देखना है इन पांचों क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी निकालते हो, फटाफट फटाफट निकालो, 2 मिनट का टाइम है सबके पास में, फिर मैं लिखूंगा इधर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर स्क्रीन फ्रीज सर कुछ फ्रीज हो गई क्या?
हाँ सर इंटरनेट कनेक्शन तो क्या यार कैन यू हियर मी यस सर यस तो चल तो रही है स्क्रीन माउस तो देख हाँ सर वो ऐसी अब लिख नहीं रहे अरे फ्रीज क्या मैं लिख नहीं रहा तो फ्रीज ही रहेगा ना अरे हाँ सर तुम भी मस्त हो यार चलो करो करो पांच मिनट का टाइम है सर वो क्वेश्चन लिखा हुआ दिख नहीं रहा सर आपने सिर्फ वन लिख के अरे सर लिखा ही नहीं अरे सर ने लिखा ही नहीं है सर ने वो अरे ये पांच क्वेश्चन है ना यार ये पांच क्वेश्चन के जवाब देने हैं नंबर ऑफ फंक्शंस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन मेनी वन फिर ऑन टू फिर इन टू ऐसे हो गया सर हाँ तो इजी तो है यार जस्ट रेज योर हैंड व्हेन यू गेट इट नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे बच्चों 5 रेज टू 4 5 रेज टू पावर ऑफ 4 5 रेज टू पावर 4 कितना होता है ये लिख देते हैं ना 625 अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या होता था बच्चों 1 1 फंक्शन ढूंढना था कि मैंने 1 1 1 1 1 1 फंक्शन 120 यस सर 5 64 4 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करो 5p4 5c4 into 4 4 factorial और उनको अरेंज करो बच्चों इसका आंसर कितना है 120 कैसा आ जाएगा पूरे पूरी 24 4 कैंसिल 120 है ना यही आ रहा ना यस सर यस सर अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता था बच्चों नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन Yes, sir. So 625 minus 1. Minus 120. 5 raised to the power 4 minus 1. 625 minus 120. 505. कितना है? कितना बोला? 505. Fourth. 1-1 हो गया, many 1 हो गया. अब बच्चों, on 2 तो बनेगा ही नहीं. 0, sir. 0. Sub into होगा बच्चों. Sub into. ये तो बहुत ही खतरनाक वाला इजी हो गया है ना यस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस 625 इनटू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 625 बच्चों बस पीएनसी का जो है ना ये इसी तरह की कहानी आती है अब ज्यादा से ज्यादा बताओ क्या करता है पीएनसी यूटिलाइज करके इसको कुछ नंबर दे देगा 1 2 3 4 5 फिर बोलेगा इन सब के एरोज जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लगने चाहिए तो 5C4 वे से सेलेक्ट किया और अरेंज मत करो ऐसे मतलब इजी से क्वेश्चंस बच्चों बनाता है अच्छा अपन ने मोनोटोनिक फंक्शंस पढ़ा है ना बच्चों यस सर सिंगल टोन फंक्शन तो अभी मानो कि ये 1 2 3 4 5 होता है यहाँ पे मतलब पुराने वाले क्वेश्चन में इसमें देखो इसमें जहां फाइवर ये वाला है ना बच्चों ये फंक्शन मोनोटोनिक मतलब कितने मोनोटोनिक फंक्शन बनेंगे बच्चों इसमें कितने मोनोटोनिक फंक्शंस बनेंगे इधर अलग से लेता हूं सर 5 सर एक भी नहीं होगा ना क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट तो बार आएगा अरे 5 में से कोई भी 4 अच्छा ये तो उल्टा लिख दिया ये क्वेश्चन लेना ही नहीं था मेरे को हां सर थर्ड वाला केस लेना था एक्चुअली है ना यस अच्छा थर्ड वाला केस किधर गया ये रहा नंबर ऑफ बच्चों इसमें से ये जो है ना ये क्वेश्चन इसमें कितने मोनोटोनिक फंक्शंस बनेंगे अगर ये 1 5 ही बनेंगे 5c4 5c4 into 2 गधेड़ा यस सर अरे 5c4 में से कोई भी 4 चुनेगा यहां असेंडिंग डिसेंडिंग 4 चुना राइट तो a1 का एरो 1 को a2 का 2 को a3 का 4 को 3 को और एक a4 का 4 को एक तो ये और एक इसका उल्टा यस इसमें तो इंक्रीजिंग हो जाएगा
और दूसरे वाले में डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, बराबर ना बच्चों? चलो ठीक है, मोनोटोनोसिटी की डेफिनेशन अभी अपन ने अच्छे से नहीं की है, तो बच्चों इसको दिल पे मत लो, मोनोटोनोसिटी की डेफिनेशन कर लेंगे तब इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, वहां इसमें थोड़ा फाट है, फाट समझते हो नहीं समझते हो, कुछ गोलगप्पा है यहाँ पे, गड़बड़ होती है, ठीक है, इसलिए इसको एक्सेप्ट मत करना अभी जो फंडामेंटल बोला है, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बाइजेक्टर, हाँ बहुत सारे बन सकते हैं यार। चलो वो चेंज करूं क्या? हाँ सर, यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, ये फंडामेंटल तुमने किया हुआ है क्या? सर वो लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो तो ग्रुप पे डाल देंगे। पीरियोडिक फंक्शन, एक मिनट बताता हूँ मैं। ओके सर, एकदम डिटेल में नहीं किया पता ही ले डाल दे। अच्छा ये किया हुआ है क्या? क्या नहीं सर, बस कुछ पीरियोडिक फंक्शंस पता है कि ये पीरियोडिक होते हैं अलग से। अच्छा हाँ सर, सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन। अच्छा अच्छा ओके okay. चलो मैं थोड़ा डिटेल करा देता हूँ उसको, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट भी तो पीरियोडिक। अरे समझो ना, अभी देखते ना करते ना पीरियोडिक फंक्शंस। बच्चों पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन देखो, एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से दिमाग में बिठानी है, और वो क्या है कि ये चैप्टर जैसे जैसे पूरा होता है इसमें क्वेश्चन की मिक्सिंग जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, मतलब वो वन वन मैन इवन ऑन टू इन टू इवन ऑड फंक्शन भी पढ़ेंगे अभी अपन लोग, पीरियोडिक भी पढ़ेंगे, फिर उठा करके वो मोर देन वन करेक्ट चॉइस क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों, अभी फंक्शन पे एक भी सीपीएस आया नहीं है समझ लो तुम लोग। yes, आया क्या? नहीं आया। और आज सीपीएस का डाउट सेशन है, जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ वो yes. वो पेंडिंग का मतलब फिर समझो, पेंडिंग रिजल्ट भी पेंडिंग में रह जाएगा अपना, समझ रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, जब फंक्शन सीपीएस में इन्वॉल्व होएगा ना तब उसमें घुमाने फिराने वाले क्वेश्चंस, मिक्स होने वाले क्वेश्चंस, ये सारे तुम लोग को मिलेंगे, राइट? वो टाइम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन अभी सीखे बगैर वो क्वेश्चन सीखेंगे नहीं। सॉरी बच्चों, हाँ अब ध्यान दो डेफिनेशन पे, ध्यान दो। फॉर एनी फंक्शन बच्चों बहुत सीखने के लिए है इसमें, हाँ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने जो पढ़ लिया वो इनफ है, बहुत कुछ है सीखने को इसमें। फॉर एनी फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, राइट, एफ एक्स इज सेट टू बी पीरियोडिक, राइट? बच्चों जान दो, टू फाइंड, ये मतलब मेन स्किल्स वाली चीज ये है जो पूरी फंक्शन के पीरियोडिसिटी को डील करती है, टू फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स, सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। बताओ ये वाली तो इक्वेशन है ये? यस सर। इफ वी कैन फाइंड टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एफ एक्स इज पीरियोडिक विद, पीरियड को बच्चों में पीडी लिखने वाला हूं, पीडी इक्वल टू टी, एल्स बच्चों इसको ध्यान से देख लो, एपीरियोडिक मीन्स
नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स ए और पीरियोडिक के बीच में एक स्पेस छोड़ देते हैं ना बच्चों, तो फंक्शन पीरियोडिक बन जाता है। हाँ सर, हाँ वो ध्यान रखना। हाँ वो एग्जाम्स में भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब बच्चों जरा लाइन पे आ जाओ, ध्यान दो इसी स्टेटमेंट को बात कर। पीरियड निकालने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, एक और है, ग्राफ से भी निकालते हैं। मतलब पीरियड कैसे कैसे निकलता है वो हम लोग रूटीन लेक्चर में ही बात करेंगे। जैसे बच्चों बहुत कॉमन एग्जाम्पल ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल स्टार क्यों लगाया भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सबको पता है इसका पीरियड 2 पाई होता है। Yes. है ना, तो सॉल्व करना है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस टी बाई टू इंटू साइन ऑफ टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। बच्चों इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, एक बार बताओ ए बी इज इक्वल टू जीरो, डज इट इंप्लाई ए एंड बी दोनों को जीरो होना जरूरी है? नो सर। अगर अगर कॉस ऑफ एक्स प्लस टी बाई टू जीरो हुआ तो टी डिपेंड्स ऑन एक्स। यस सर, आएगा टी और एक्स में रिलेशन आ जाएगा ना कुछ ना कुछ, है ना। अरे सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस टी बाई टू पाई टू नहीं टू पाई फोर पाई सिक्स पाई ऐसे आएगा, तो टी का वैल्यू एक्स के टर्म्स में आ जाएगा ना बच्चों। यस सर, है ना। अच्छा तो ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये तो यहां से तो अपन को पता लग गया कि पीरियड नहीं निकलेगा। दूसरा केस साइन टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो बच्चों टी बाई टू कितना हो गया, एन पाई हो गया, राइट। यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट डालनी है मुझे, टी ग्रेटर देन जीरो। बच्चों ये डेफिनेशन है, अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक्चुअली टी जो है ना बच्चों लेंथ होती है, जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे साइन एक्स का ग्राफ किस इंटरवल में रिपीट होता है बच्चों, टू पाई इंटरवल में, जीरो से टू पाई में रिपीट होता है ना, जीरो से टू पाई के बाद रिपीट होता है ना। वो जो जीरो टू पाई के बीच की लेंथ होती है ना बच्चों, वो लेंथ को पीरियड बोलते हैं। अब बताओ लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसलिए टी को पॉजिटिव ही लेते हैं। तो बच्चों टी बाई टू आ गया एन पाई, तो टी कितना आ गया, टू एन पाई। यहाँ एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहेगा बच्चों, बताओ क्यों? टी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि टी का वैल्यू क्या क्या आ गया, टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एंड सो ऑन, सब हो ही सकते हैं ना बच्चों, बताओ। इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना बच्चों, ये वाली वैल्यू इसको क्या बोलते हो तुम लोग, फंडामेंटल पीरियड, पता है ना, किया है ना पहले। यस सर, हाँ इसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। और बच्चों पीरियड निकालने के लिए ये दवा जो है ना सब जगह काम आती है, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि इसको सॉल्व करने में हम लोग को कभी कभी टाइम लग जाता है, ओके। जैसे बच्चों एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, चलो पीरियड निकाल के दो इसका फटाफट। फाइंड पीरियड सर, वो स्क्वायर खाली एक्स पे है ना? हाँ बेटा, जिसको होता चला जाएगा हैंड रेज करना है, हाँ अनाउंस नहीं करना आंसर।
15 students have done it. किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो. चलो जितने लोग का हुआ है बताओ. अब हाथ ऊपर करो. फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक. टी का वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगा ही करेगा. यस सर. बच्चों लोअर योर हैंड. इसको मैं सिखा देता हूँ एक बार और. अब जो ये बस दो ही टाइप के प्रॉब्लम्स हुए. मतलब तुम लोग अब इसके बाद करते रहना सारे प्रॉब्लम्स बाकी है ना. देखो ध्यान दो. एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स यही तो निकलना है. हाँ सर. तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. सॉल्व किया तो कितना आ गया. साइन ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस टी लिखना है बच्चों. एक्स प्लस टी होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो. तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर यहाँ है. साइन सी माइनस साइन डी लगाया इसमें. तो ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस टी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस टी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो. बच्चों अब ये तो दिख ही रहा है इसमें टी पर डिपेंडेंसी आएगी आएगी. इसको जीरो करो चाहे इसको जीरो करो. टी यस डिपेंड्स ऑन एक्स इम्प्लाइज नॉन पीरियोडिक. क्या बोलते हो बच्चों. से यस और नो. यस सर. ये वाली कहानी क्या है. पीरियड ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस बच्चों. ये तुम्हारा ये जो पार्ट है ना. ये जो फॉर्मूला किया है ना पहले ये वाला फॉर्मूला एलिमेंट्री फंक्शंस का पीरियड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसको रटना है. तुम्हें लगे कि ये यार सर ने जबरदस्ती लिख दिया तो निकाल के देख लो इधर से. ठीक है. अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. सर हो गया. सर हो गया. चलो चलो ध्यान देना. यहां पे लिखते हैं साइन एक्स कॉस एक्स. इनका पीरियड क्या होता है बच्चों. 2π है ना. सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स इन सबका पीरियड 2π होता है ना बच्चों. अच्छा नंबर वन. नंबर टू tan x और cot x. फंडामेंटल पीरियड पाई.
हाँ फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड लिख रहे हैं अभी। भाई बच्चों ध्यान देना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड वन, ठीक है। और ध्यान दो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स सबका पीरियड पाई बच्चों, पाई पाई बोलो, होगा कि नहीं होगा, सबका पाई। ये पता ना ग्राफ जैसे ऐसा ग्राफ बन रहा है जीरो से वन, तो ये क्या ये ऊपर चला जाएगा ना, यस सर, ये जीरो टू पाई है, यस सर, फिर ये भी ऊपर चला जाएगा तो पाई रह जाएगा ना, टेन एक्स का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे तो पाई रहेगा, मतलब इसका पीरियड चेंज नहीं होएगा, इसका यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई रहेगा, बराबर है ना बच्चों? यस सर, यस तो स्क्वायर कर देंगे तो पीरियड में चेंज आ रहा है, रटो मत इसको, रटो मत, सीखो इसको, रट के मत चले जाना कि किसी भी फंक्शन का स्क्वायर का पीरियड करते ही चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होता, यहाँ देखो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है ना बच्चों। इसी तरह से बच्चों मॉड साइन एक्स से लेके और मॉड कोसेक एक्स तक इनके पीरियड भी क्या होंगे, पाई होंगे बच्चों, बराबर है ना? यस सर। और जो सब लोग ध्यान दो, ये सब तुम्हारा पढ़ा हुआ है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, सब पढ़ा हुआ है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, फंक्शन का ग्राफ बनाया उसने टी इंटरवल के बाद अपना पीरियड रिपीट किया, बच्चों बताओ किसी फंक्शन के ग्राफ को के यूनिट से ऊपर नीचे कर दूं उसका पीरियड चेंज होएगा? नहीं सर, नहीं सर। तो बच्चों बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस के इसका पीरियड टी रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों? और माइनस कर दूं तो वही सेम तभी टी रहेगा, बराबर है सब बच्चों को समझ में आ रहा है ये? बच्चों साइन एक्स का पीरियड कितना है? टू पाई, साइन एक्स का पीरियड टू पाई, बच्चों टू साइन एक्स का पीरियड कितना है? टू साइन एक्स टू पाई, एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बाकी तो पीरियड तो सेम ही रहेगा ना? यस सर। के टाइम्स एफ एक्स का पीरियड भी कितना होगा बच्चों? पाई, सॉरी टी, टी रहेगा, टी, यानी किसी फंक्शन में के ऐड सबट्रैक्ट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, राइट, पीरियड में चेंज नहीं आता बच्चों, बराबर है ना? एम्पलीट्यूड चेंज होता है यहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे होता है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बच्चों ये बताओ इसका क्या हाल होएगा, वन बाय एफ एक्स का क्या होगा बताओ? वन बाय एफ एक्स का पीरियड सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सर सेम रहना चाहिए, ये याद देख के बोल रहे हो ना, मेरे को पता है तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। अरे बाबा कोई भी ग्राफ बनाओगे, मानो साइन एक्स का ग्राफ बनाया, देखो ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया, राइट, अब जब इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहां जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, नहीं तो होगा बच्चों डिसकंटिन्यूटी जो है वो भी पीरियडिक हो जाएगी ना बच्चों? हाँ सर, लेकिन पीरियड थोड़ी चेंज हो जाएगा, बराबर ना? यस, इसका पीरियड भी टी रहने वाला है, मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं। देखो एक चीज समझो, कोई चीज थोड़ी कम समझ में आए ना उसको रुक के, अभी अभी नहीं, इमीडिएटली रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा लोगों को समझ में आया तुम्हें नहीं आया तो थोड़ा रुक के सोचो कि सर बोल रहे थे डिसकंटिन्यूटी रिपीट हो जाएगी, एक बात बता कॉसेक एक्स का ग्राफ यही तो बना, ये बना फिर ये बन गया, ये डिसकंटिन्यूटी आ गई ना यहाँ पे इस इंटरवल में, फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन गया लेकिन पीरियडिक तो रहा ना बच्चों। बच्चों ध्यान दो, ये वाला चीज मैं इरेज करता हूँ क्योंकि इससे तुम बीमार हो जाते हो, ऐसी चीजें जब पढ़ते हो तो बीमारी आती है और वो धीरे धीरे आती है एक्चुअली। हाँ
वन बाई एफ एक्स का पीरियड टी होगा बच्चों। बच्चों अब ये वाला फंक्शन का बात करते हैं, अंडर रूट एफ एक्स का पीरियड क्या होगा बच्चों? ये भी टी होगा। So only when the function is defined in the under root form. हाँ। Negative हो गया तो फिर तो क्या है? This is t if f x greater than zero. Defined. बस। बराबर है ना बच्चों? Yes sir. देखो sin x का ग्राफ ये बना। हाँ सर। Right. अब बच्चों इसका मॉड ले, मॉड क्या है इसका? अंडर रूट ले लो ग्राफ का। अंडर रूट तो बताओ ग्राफ क्या आएगा बताओ इसका? नेगेटिव पार्ट कट जाए, नेगेटिव पार्ट कट जाए, इसका ग्राफ ये बन जाएगा, ये ये बना। हां हां सर यही बनेगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। यस इधर फिर ये आ जाएगा, तो पीरियड चेंज नहीं होगा ना बच्चों? लेकिन अगर मानो बच्चों साइन एक्स माइनस टू का पीरियड निकाले, sin x minus 2 का पीरियड निकाले, है ना? सर ये होगा ही नहीं डिफरेंट, नॉट रूट के। नहीं sin x minus 2 तो पीरियडिक होगा, इसका पीरियड अच्छा, तो sin x minus 2। लेकिन अंडर रूट sin x minus 2 तो डिफाइंड ही नहीं है ना? नॉट डिफाइंड। हाँ तो ये जनरल रूल नहीं है बच्चों, उसके साथ में ये लिखना जरूरी है ना? हाँ अमिता मकरवाल में बच्चों ये नहीं लिखा हुआ है। बस यही लिखा हुआ है ना? हाँ प्ले विद ग्राफ्स। ओके हाँ सर। बच्चों ध्यान दो, अब ये बताओ पॉइंट नंबर 5, एफ ऑफ के एक्स का पीरियड क्या होगा बच्चों? ये किया हुआ है दोनों का पहले, ई बाय के, ई बाय के, कुछ भी बोल दो है, ई बाय मॉड के, मॉड के। हाँ सर मॉड के, टी बाय मॉड के। बच्चों स्विच हो जाएगा ना ग्राफ? हाँ सर। यस हाँ सर। टू एक्स का पीरियड क्या होगा बताओ? पाई, टू पाई बाई टू पाई। और बच्चों इसका पीरियड कितना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री माइनस टू एक्स, वन बाई टू, वन बाई मॉड माइनस टू। बराबर है ना बच्चों? यस सर। अरे बाबा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का थ्री तो कोई मीनिंगलेस है ना इसमें, थ्री का तो मीनिंग ही नहीं है। यस सर इंटीजर है। हाँ ये माइनस टू एक्स का निकालोगे तो पीरियड यही आने वाला है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में भी आ रहा है या वैसे लिख रहा हूँ मैं ये सब चीजें? नहीं समझ में आ रहा है सर, आ रहा है समझ। ये सब चीजें पुरानी चीजें हैं, मतलब जिसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं अभी, है ना? पॉइंट नंबर 1 to 5 इधर एलिमेंट्री पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 to 5 इधर एलिमेंट्री पॉइंट्स, ये सब हम लोग को पता होने चाहिए, राइट? बच्चों अगर 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 सिक्स्थ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स ऐसे दिया हो तो पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ इसका पीरियड ले लो बच्चों टी वन, इसका पीरियड ले लो टी टू, एलसीएम ऑफ टी वन, अबे रुको, एलसीएम ऑफ टी वन कॉमा टी टू। बोलो बच्चों ये तो समझ में आता है ना? यस नहीं। अरे एक बात बताओ, आता है सर, एक वेव जो है 2 यूनिट्स पे रिपीट कर रही है, एक वेव 3 पे रिपीट कर रही है, तो दोनों वेव एक साथ 6 यूनिट्स पे जाके मिल जाएंगी ना? सिंपल सी तो चीज है, बताओ ना बच्चों सही है ना? हां सर हां सही है सर। अच्छा अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3/2 कॉमा 5/7? 15/14 बच्चों ध्यान दो, इस तरह का जो एलसीएम निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे निकालते हैं। बताओ डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों?
1 और न्यूमरेटर का एलसीएम कितना है 15 तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 बाय 15 हो जाएगा ये किसी को बोलना नहीं एलसीएम सिखा रहे हैं आज ओके ओके ठीक है हां सर हां सर रिकॉर्डिंग से कट देंगे बट पक्का हुआ है ना लेकिन पहले यार ये बताओ बच्चों एलसीएम ऑफ सर हां सर पता है सर 2√3 एंड 3 क्या आएगा बच्चों नॉट डिफाइंड Not defined. LCM का मतलब there should be a value which when divided by this and this should be an integer. बच्चों इसका LCM जो है ना अगर मैं 6√3 लिख दूं तो 6√3 को 3 से डिवाइड करने पर इंटीजर नहीं आ रहा है इसलिए LCM ऑफ रैशनल कोमा इरेशनल हमेशा डिफाइंड नहीं होगा बराबर ना बच्चों yes, sir. Sir, irrational कोमा irrational defined. क्या बोल रहा है बेटा irrational comma irrational defined हो नहीं नहीं ये मैंने कहाँ बोला अभी तो बोला ही नहीं बस अभी 2 मिनट और बोलूँगा और फिर बंद कर दूँगा विंडो खत्म बोलो बच्चों ये समझ में आया नहीं आया yes sir yes ये LCM defined नहीं होगा point C LCM of 2√3 and 3√3 बच्चों ये define होगा 6√3 बोलो डिफाइन होगा नहीं होगा यस सर इधर आएगा होगा हां यस और बच्चों ये वाला एलसीएम ऑफ 1, पाई, 2 पाई क्या होगा 2 पाई अरे नॉट डिफाइंड आएगा ना हाँ सर नॉट डिफाइंड आएगा अरे बाबा कुछ भी इधर लिखेगा उसको 1 से डिवाइड करेगा तो इंटीजर नहीं आएगा ना हाँ सर नहीं आएगा बात समझ में आ रही है हाँ समझ में आ रही है अब ध्यान से जवाब देना हाँ यस सर fx is equal to sin x plus cos bx is not periodic. Yes. Right? Find b. बोलो बच्चों b को क्या होना चाहिए आंसर इसका पीरियड कितना बच्चों 2π. अगर इसका पीरियड बच्चों अगर इसका पीरियड रैशनल आ जाए तो नहीं होगा हाँ तो नहीं होगा रैशनल आ जाए तो ये फंक्शन नॉन पीरियडिक रहेगा पता है ना लेकिन बच्चों रैशनल आ जाए तो पीरियडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है इसलिए इज नॉट पीरियडिक बोला है उसने इरेशनल समझ में आ गया क्या कहानी हाँ बताओ बच्चों बी को कैसा होना चाहिए बी बिलोंग्स टू पाई पाई अरे नॉट पीरियडिक के लिए बी को क्या होना चाहिए रैशनल होना चाहिए ताकि इसका और रैशनल का एलसीएम डिफाइंड ही ना हो 2π और उसका पीरियड तो 2π बाय समझ नहीं रहा चल मैं क्वेश्चन ही खत्म कर देता हूँ तुम ज्यादा ऐसे करोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मैं बोलता हूँ कभी डिफाइंड नहीं हो इज नॉट डिफाइंड छोड़ते हैं नेवर डिफाइंड ये लो इज नेवर डिफाइंड अब बता बी बिलोंग्स टू क्यों आएगा कि नहीं आएगा yes. क्योंकि ये रैशनल आएगा तो इट्स नेवर डिफाइंड बिलोंग्स टू क्यू होगा ना हां बी बिलोंग्स टू क्यू आएगा ना बेटा सर 2 पाई बाय बी आना चाहिए ना अरे बाबा 2 पाई बी अगर इरेशनल होगा बी अगर रैशनल होगा अरे हां मैं भी क्या कर रहा हूँ यार फिर फंक्शन उसका टाइम पीरियड ही मॉड 2 पाई बिलोंग्स टू क्यू कभी कभी जोश में जो ना एक गलत क्वेश्चन आप लिख जाते हो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन खत्म तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहने की सर बट वो क्वेश्चन का आंसर वही होता है समझ में हां सर वो 2 पाई बोल देता हूं ना यार टेंशन मत ले लिख देता हूं fx is equal to sin x plus cos पाई बी एक्स अब बोल हाँ सर अभी रैशनल इज नेवर पीरियोडिक इसके लिए
इसके लिए बी को रैशनल होना चाहिए. बी इज रैशनल. अरे यार बी रैशनल होना चाहिए. यस बी रैशनल होना चाहिए. अगर ये रैशनल होएगा तो इसका पीरियड जो है ना वो इरेशनल आ जाएगा बच्चों. सही है सुनो. यस यस. और इरेशनल और रैशनल का एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा. बोलो बच्चों क्या बोलते हो. यस सर. यस सर. पक्का. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू. सर उसका पीरियड इरेशनल कैसे बता सकते हो. अरे इसका पीरियड होगा क्या बता. टू पाई बाई पाई बी ये होगा ना. यस सर. ये पाई पाई कट गया. पीरियड कितना हो गया. टू बाई बी. हाँ सर. अब बता बी अगर रैशनल हो गया तो इसका पीरियड कितना है बता. टू पाई. टू पाई. हाँ सर. अगर बी रैशनल हो गया तो ये पूरा नंबर रैशनल हो गया. हाँ सर समझा. रैशनल और इरेशनल का एलसीएम डिफाइन ही नहीं होगा. बराबर है बच्चों. यस सर. यस सर. अच्छा अब इसका पीरियड बोल दो फटाफट से. एफ एक्स इज इक्वल टू. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. अमिताभ अग्रवाल में बहुत आराम से मिल जाता है. साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. पीरियड टू पाई. इसका पीरियड वन. 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 नॉट वन. नॉट पीरियोडिक. बोलो बच्चों सही है. यस सर. यस सर. ऑल राइट. ऑल राइट. ऑल राइट. अब क्या है ये एलसीएम निकालने का काम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों. बस ये छोटा सा बोर्ड भर देते हैं बच्चों. दो पीरियोडिक फंक्शन को अगर मैं ऐड करूं पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक क्या आएगा. पीरियोडिक. पीरियोडिक. दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली पीरियोडिक ही आएगा ना. यस सर. नॉट कंपलसरी. नॉट नेसेसरी. ये एग्जांपल लिखा हुआ दिख नहीं रहा किसी को. हां सर वही सर. कंपलसरी नहीं है सर. वो एलसीएम भी तो बनना चाहिए. मे और मे नॉट बी. मे नॉट बी पीरियोडिक बच्चों. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक. दो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड किया बच्चों. नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक. ऐसा बिल्कुल दिख रहा है. नॉन पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड करोगे तो क्या आएगा सर. नॉन पीरियोडिक क्या आएगा. देखो ये वाला फंक्शन देखो बच्चों. एक बात बताओ. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस बॉक्स एक्स पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है. नॉन पीरियोडिक. ये एफ एक्स ले लिया. एफ एक्स नॉन पीरियोडिक है ना. नॉन पीरियोडिक. अरे ये रिपीट नहीं हो रहा ना यार. ये रिपीट कैसे होएगा बताओ ना. और बच्चों जी एक्स मैंने ले लिया बॉक्स एक्स. ये जी एक्स ले लिया बच्चों. बताओ दोनों का एडिशन क्या बना. बच्चों तो यहाँ भी स्टेटमेंट क्या आएगा. मे नॉट बी. समझ में आया नहीं आया. अच्छा चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आंसर दे दो फटाफट से और फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ बच्चों. नॉन पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक. बोलो. बस अब तो सबके आंसर एक ही हो गए है ना. हाँ सबके आंसर एक ही हो गए. मे और मे नॉट बी पीरियोडिक. कोई एग्जांपल दो चलो. इधर से उठा लो कोई. साइन एक्स प्लस थ्री. साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. हाँ सर. बच्चों ये नॉन पीरियोडिक है. यस सर. बराबर ना. और फिर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट. माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन ये पीरियोडिक है. और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा. पीरियोडिक आ जाएगा. मे और मे नॉट बी पीरियोडिक. बच्चों तीनों के आंसर मे और मे नॉट बी पीरियोडिक ही आएंगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस. हां यस सर. चलो बच्चों. Yes, sir. Sir,